हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज एक नई वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं और रिएक्शन वीडियो रहने वाली है एलविश यादव के ऊपर, जो उन्होंने मनीषा रानी को रिप्लाई किया हुआ है। अभी 2-3 दिनों से आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, फॉलो अनफॉलो को लेकर पता नहीं क्या हो रहा है। तो देख लेते हैं वीडियो। उन्होंने अपना टाइटल डाल रखा है माई रिप्लाई टू मनीषा जी करके, और मनीषा जी ने भी एक वीडियो डाल रखा था। वैसे मैं तो दोनों को फॉलो करती हूँ, एलविश यादव को भी और मनीषा को भी, काफी टाइम से देखती आ रही हूँ दोनों के ब्लॉग्स, और एलविश की काफी वीडियोस पे जो है मैं रिएक्ट करती आई हूँ। तो गाइस, इस पे भी बनता ही है ना रिएक्ट करना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक्शन हो गया। ले ना, मेरा ऐसे सही है। अरे पूछ कंपनी का है। गाइस, जब भी आप खाओ पियो, मुंह सन जाए तो इस वाले टिश्यू से ही मुंह पूछना। सी क्लियर कर दिया और इस पर दाग भी नहीं आए। चलो अभी मेन वीडियो में आते हैं। स्पॉन्सर तो हो गया गाइस, बहुत ही सीरियस माहौल है। ये क्या था? अच्छा, मजाक था स्टार्टिंग में। टीचू हंसने की चीज है, देख के सीरियस माहौल है। सीरियस हो गलती हो गई। उसे कितनी हंसी गाइस, हम ये बहुत ज्यादा सीरियस। इनको भी देखा मैंने इनके ब्लॉग में, कभी एक ब्लॉग देखा था इनका जो इनके साथ प्रैंक किया था इन्होंने कार में। वो ऑफ कैमरा में थोड़ा बोलना सीखा। हाँ, तो टॉपिक पे आते हैं गाइस। स्पॉन्सर खत्म हो गए, ऐसे भी काम आ सकता है टिश्यू, मैं ये बता रहा था। ठीक है, सुनो आप यार, इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं बहुत क्लियर शब्दों में बता दूं, दिस वीडियो इज नॉट नेगेटिवली पोस्टेड। समझ रहे हो? मतलब किसी नेगेटिव इंटेंशन से वी आर नॉट पोस्टिंग। हम पोस्ट कर रहे हैं जी खुशहाली बढ़ाने को, मजे लेने को और हंसने को, सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। सिर्फ एंटरटेनमेंट, भाईचारा भाईचारा प्रमोट करने वाली वीडियो है। ठीक है, तो कोई भी प्लीज इसको नेगेटिवली ना ले। बिल्कुल। एंड मनीषा, इफ यू वाचिंग दिस वीडियो, ऑब्वियसली शी इज वाचिंग दिस वीडियो, तो आपको भी मैं बोलना चाहता हूँ कि आप भी इसको प्लीज नेगेटिवली ना लें। ओके, मतलब ऐसे हम आपको कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आपने भी हमें कुछ गलत नहीं बोला वीडियो में, बट उसमें दो चार फैक्ट्स सही नहीं थे, तो उनको थोड़े करेक्ट करेक्ट कर देते हैं। और इसके ऊपर ये मेरे हिसाब से कोई टॉपिक भी नहीं, मैं क्यों बना रहा हूँ इस पर वीडियो। अच्छा, व्यूज के लिए। स्पॉन्सर भी हो गया टिशू का। ई लफड़ा, ई लफड़ा, ई लफड़ा, ई लफड़ा गाइस, बहुत टाइम से शांति पड़ी थी, ई लफड़ा खत्म हो गया, ई लफड़ा इज बैक। तो मनीषा, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज इसको सीरियसली ले लेना मत लेना, मतलब मजाक मस्ती में लेना, या तुम मजाकिया था ही। तो उसने यार, उसने ना स्टोरी लगाई कि यू वॉन्ट टू नो द रियल रीजन, कल 12 बजे, कल 12 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलो कोई बात, आप भी लगाओगे ऑब्वियसली भैया। ये वीडियो अगर तुम देख रहे हो स्टोरी से आए होगे ना, तो ऐसे ही लगाई होगी मैंने स्टोरी। जानना है रियल रीजन, आई टेल यू। चलो कोई नहीं, अब टॉपिक पे वापस आते हैं। स्पॉन्सर खत्म हो गया, वीडियो स्टार्ट हुई, मैंने मुझे लगा मैं 12 बजे अनफॉलो रीजन, यार ये बड़ा सीरियस मुद्दा हो गया। तो मैं 12 बजे ना, मैं कहीं बिजी था, 12:04 हो गए, मैं कहा 4 मिनट से भाई मेरी बैटरी 1%। मैंने खोल के चेक करी, मेरे पे दूसरा फोन था, यूट्यूब ऐप नहीं थी, मैंने ब्राउजर में खोल के ऐड देख के वीडियो देखी है कि भैया एलिगेशंस, समझ रहे हो, अनफॉलो रीजन मनीषा रानी ने बताया। ऑल दो शी इज अ गुड ह्यूमन बींग एंड माई फ्रेंड टू मे बी। तो भाई मैंने खोली वीडियो, उसमें स्पॉन्सर आ गया। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है, अच्छा है, स्पॉन्सर होने जरूरी है। अच्छा 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 ओके। उस वो व्यूज ज़्यादा है ऑब्वियसली, वो नॉर्मल से, क्योंकि ये लफड़ा, तो स्पॉन्सर का भी भला हो गया। काश हमें भी मिल पाता, हमें मिला नहीं, वी ट्राइड आर लेवल बेस्ट, आई वाज सो बिजी, मैं स्पॉन्सर नहीं ढूंढ पाया, कल के बाद मिल जाएगा मे बी। हाँ, तो उसमें ना उन्होंने बोला कि एलविश को मैंने अनफॉलो किया, उसका रियल रीज़न ये था कि एलविश ने कवर, एलविश ने कोलैब किया और कवर फोटो में अपना और अक्षय कुमार का लगा दिया। सो सॉरी यार, मैं हंसी आ गई इस वाली बात पे, और हमने उसको खूब ये बोला कटारिया ने ऐसी पहुँचाया, जो भी ये फॉलो अनफॉलो ब्लॉक अनब्लॉक छोटे बच्चों वाली चीज ये, तो मैंने उसको अनफॉलो कर दिया। और वो हमारा दोस्ती नहीं चाहता, तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी इम्पोर्टेंट रहता, ठीक है, तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरे में ईगो था जो मैंने नहीं हटाया एज पर हर, और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट थी, इसलिए उसने अनफॉलो कर दिया, ठीक है। ऑल्दो दिस इज नॉट अ बिग थिंग,
उसमें बस तीन चार चीजें मेरे को करेक्ट करनी है, उसके बाद वीडियो खत्म कर देंगे। देखो पहली चीज उसने बोला हमारे साथ फोटो लगाने में शर्म आ रहा था, भाई यू कैन चेक माय प्रोफाइल, बट ऐसा तो नहीं है क्योंकि या फिर किसी भी टाइप की और भी इनका तो सॉन्ग भी आया था ना साथ में, कुछ भी कवर फोटो होगी उसमें, बिग बॉस में भी ये दोनों काफी फेमस थे, अच्छी इनकी दोस्ती, मैंने डीएमएफ के साथ कोलैब करा था, उसने तो अपनी अपनी लगाई थी क्रॉप करके, वो तो आज मैंने फैन पेजेस के थ्रू देखी, मैंने इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देता। तो ऐसा ये पहला फैक्ट आपका रॉन्ग है कि मुझे आपके साथ फोटो लगाने में शर्म आती है। अगर मेरे को फोटो लगाने में आपके साथ शर्म आती इसका मतलब तो फिर मैं मेरे को आपके साथ गाना भी नहीं करना चाहिए था। हाँ, वही, मेरे गाना को तो आपके साथ फोटो भी नहीं खिंचानी चाहिए थी और मेरे मतलब मेरे को तो बात ही नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि मेरे को तो शर्म आती है ना। बट यू कैन चेक माई प्रोफाइल, गाने भी वैसे के वैसे हैं, उसमें आप भी दिख रहे हो, हम भी दिख रहे हैं। हमने आपको अप्रोच करा था बोलेरो गाने के लिए कि साथ में गाना करते हैं, बाहर निकल के आए बिग बॉस से, साथ में अच्छा प्रोजेक्ट करते हैं। तो हम क्यों जाएंगे ऐसे के साथ जिसके साथ हमें तो शर्म आ रही है फोटो लगाने में, हम क्यों पूछेंगे उससे? तो ये फैक्ट बहुत रॉन्ग है यार, कोई शर्म नहीं है। यू आर अ गुड फ्रेंड टू मी और बिग बॉस में भी काफी अच्छी मेमोरीज है हमारी, वही, वही, तो ये शर्म वरम वाली बात तो भूल ही जाओ, ये तो मतलब ही नहीं था, शर्म बहुत छोटी बात है, इसको हम कंसिडर नहीं करते। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि इसने मेरे को पहले भी अनफॉलो करा था, उस टाइम पे इसने बोला कि कॉन्ट्रोवर्सी हाई पे बनी रहनी चाहिए, मैंने उस टाइम ये नहीं बोला था, मैंने बोला था कि आई वाज शूटिंग अ वीडियो प्रैंक फॉलो ऑन फॉलो का, बट वो पूरा नहीं हो पाया क्योंकि फैंस ने बहुत ज़्यादा लड़ाई कर ली। तो आपका दूसरा फैक्ट भी वो वाला गलत है एक्चुअली, जिसमें आप बोल रहे हो कि हाइप कंट्रोवर्सीज के लिए मैंने उसको फॉलो ऑन फॉलो कराया। और क्या क्या था रे, क्या था भाई, क्या था और क्या लड़ाई भी ना। हाँ, तीसरी चीज, ये दिमाग में थी तीसरी चीज, ठीक है। अब एक थोड़ा छोटा सा स्किट करना चाहेंगे हम आपसे, ठीक है, एक ठीक है, एक स्किट करूँगा। वो ये फ़ोन पकड़ और ना, यू आर वेरी बिजी और आपकी ज़िंदगी में बहुत लफड़े चल रहे हैं लीगली खासकर, तो आपके ना आप बहुत टेंशन में हो, टेंशन में होके दिखाओ चलो कि कहाँ कहाँ से फ़ोन आ रहे हैं आपकी जगह, बार बार फ़ोन आ रहे हैं, कभी पुलिस से कभी किसी से, आपकी टेंशन चल रही है, ठीक है। अच्छा अच्छा, समझ गई, बहुत टेंशन चल रही है। करो भैया वो कवर फोटो, मत करो भैया वो कवर फोटो, अरे रुक जा यार, कवर फोटो, अरे रुक जा मेरी माँ, कवर फोटो रुक जाए, एक बार बदल देते कवर। अरे इसे छोड़, ये क्या है, ये तो छोटी चीजें है, जेल में इतना क्या छोटी चीजें, कवर फोटो, अरे मेरी माँ रुक जाए, कवर, अरे मेरी कवर। अब इसके पीछे की साइंस, इसके पीछे की मैथ समझा, तो मैथ इसके पीछे की वो समझाएंगे, बायोलॉजी। देखो मैं ये नहीं कहता कि मेरी लाइफ में बहुत लफड़े हैं, मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, हमारे मत हमारी उससे हुआ हो, हम हमारे ऐसा नज़रिया है, हमारी किस्मत ऐसी है, हम भगवान ना चाहते हुए भी हमारा बुरा टाइम चल रहा है। देखो कायदे से देखा जाए सबकी लाइफ में ख़राब टाइम चलता है, मैं ये नहीं कहता सबकी लाइफ बहुत अच्छी है, बट मेरा थोड़ा वैसा वाला जिंदगी तो देख रहे हो कि खुश तो क्या ही रहे जो भी है। उसके आगे मेरे हिसाब से अगर कोई इंसान परेशान होता है या फिर किसी चीज़ में बिजी होता है उसके पास आप ये चीज़ लेके नहीं आ सकते कि कवर फोटो, कवर फोटो। तो मेरे पास कटारे ने बोला कि भाई वो ना ऐसे ऐसे, पहली बात तो मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ मैंने लगाई क्यों, वो प्रोबो की थी मेरे हिसाब से रील, वो चलाई, वो मतलब वो हमने लगाई तो ना रिसेंट में, मैं जिस दिन क्रिकेट मैच भी था शायद ना, तो फोटो मिली, मतलब मेरी और मनीषा की इतनी फोटोज नहीं है, तो मैंने ऊपर देखी, मैंने कि अक्षय कुमार के साथ फोटो खिंचा रही, मैंने डाल भी नहीं रखी, क्लिक्स आएंगे, ऑब्वियसली क्लिक्स आएंगे, रीच आएगी तो ब्रांड खुश होगी, ब्रांड भी खुश होगा, हमें और पैसा देगा। मैंने लगा दी इस इंटेंशन से, नहीं कि मुझे तो शर्म आ रही है मनीषा के साथ, मैं कहा यार इट्स जस्ट फॉर क्लिक्स, क्योंकि जस्ट अ प्रमोशन, ऐसा होता तो वीडियो में भी क्यों दिखाते उसको हम, ठीक है। दूसरी चीज, उसके बाद उनने कटारे को बोला कि ऐसे ऐसे ना यार कवर फोटो में ना मनीषा की फोटो नहीं है, मनीषा कह रही है कि मनीषा जी कह रही है कि वो कवर फोटो चेंज कर लो। कटारे ने मेरे को कई बार बोला, मैंने कटारे को बोला, उस टाइम तो मैं किसी लफड़े में फंसा रखा था, उसके बाद जब ज़्यादा ही हो गया, रात को 1:30 बजे भी उसका मैनेजर भाई कटारे के सगे भाई को फ़ोन कर रहा है, भैया उसका क्या मतलब, क्या करने का, भैया कवर फोटो बदलवा देते कि इस कटारे के भाई को फोन कर रहा है भाई 1:30-2 बजे रात को, किस लिए कि एल्विस से कवर फोटो हटवा दे, भाई कितनी इनके लिए कितना बड़ा मुद्दा है, होगा चलो इनकी लाइफ में ये ऐसी दिक्कतें होंगी, हमारी में थोड़ी और बड़ी हैं, बट हमारे लिए तो देखो क्या ही था ये, हमने तो पता भी नहीं कवर फोटो क्या हो गया। फिर मेरे पे बोला कि कवर फोटो बदल दो, फिर मैंने, अब जो लोग इंस्टाग्राम चलाते होंगे या फिर जो थोड़ी टेक्नोलॉजी जिनको पता होगी या फिर यूज़ पता भी करके देख लेना,
अगर आप रील पे कोई कवर फोटो लगाते हो उसके बाद दोबारा जब उसको एडिट करते हो ना, तब वो ऊपर नीचे हो जाती है प्रोफाइल ग्रिड में, पता होगा इंस्टाग्राम चलाने वाले लोगों को। तो उसमें ना मुंह कट रहा था, अरे शोल्डर वोल्डर तक आ रहा। मैंने कि भाई अगर मैं कवर फोटो चेंज करूंगा, मैंने उसके मैनेजर को बोला, मैंने कि अगर मैं उस कवर फोटो को चेंज करूंगा तो वो ऊपर नीचे हो जाएगी, और वो अब कह रही, वो कह रहे कि मनीषा की प्रोफाइल में अच्छी नहीं लग रही आपकी और अक्षय कुमार की फोटो। मैंने कि मैं जब चेंज कर दूंगा उसको, जब हमारे कंधे वंदे ही दिख रहे होंगे, शक्ल ना दिख रही होगी, मैंने कि वो मेरी प्रोफाइल में भी गंदा दिखेगा, मनीषा की प्रोफाइल में भी गंदा दिखेगा, और ये चीज़ मैं नहीं कर सकता। आप एक काम करो, अगली बारी जब मैंने ये वाला सेम कोई कोलैब हो या कोई ब्रांड का कोलैब हो तो मनीषा को बोलना, क्या तो अपनी फोटो लगा लेगी या फिर अपनी पूरी फैमिली के साथ लगा लेगी, अक्षय कुमार साथ लगा लेगी या फिर जिस मर्जी के साथ भी लगा लेगी, मेरे साथ ना लगाए। तो अगर उसके हिसाब से बराबर वन वी वन होता हो कि भाई अब एक बार तूने करा एक बार मैं कर लूँ, मैंने कि तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये इसको कुछ हम कंसिडर नहीं करते। कवर फोटो, कवर फोटो क्या सारी बहुत बड़ी चीज़ होगी क्या? कवर फोटो मतलब होती है, देखो लोग वीडियो भी पोस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, तो होती है उनके लिए बड़ी चीज़। बट आई एम रिक्वेस्टिंग यू, हाथ जोड़ के, आप जितने भी लोग देख रहे हैं, मे बी जो आपकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो दूसरे की लाइफ में उतनी बड़ी ना हो। और हमको तो पता नहीं था कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, हमें लगा कवर फोटो छोटे बच्चों वाली बात। तो मैं इसके पीछे की बस दो चीज़ करना चाहता हूँ लास्ट, जिससे वीडियो थोड़ी सीरियस हो जाएगी, कि एक पॉइंट बड़ा हाईलाइट हुआ है, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी ईगो से बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट। ईगो तो देखो हमने कुछ दिखाई नहीं चीज़ में हमें इतनी बड़ी, क्योंकि हम इस चीज़ को समझ नहीं रहे थे। दूसरी चीज़ मैं बस सेल्फ रिस्पेक्ट की बात बोलना चाहूँगा कि आई एम पॉइंटिंग यू आउट, अगर आप ये बोल रहे हो कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हो गई, हमारी बात नहीं मानी, आप इतने सेल्फ रिस्पेक्ट वाले थे तो कोलैब हटा देते, आपकी तो प्रोफाइल से ऑटोमेटिक हट जाता। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सेल्फ रिस्पेक्ट इज इम्पॉर्टेंट, पर पैसा उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हम उसी की भलाई के लिए वो कवर फोटो लगाई थी कि क्लिक्स ज़्यादा आए। तो मेरे हिसाब से तो ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात है वो तभी पॉसिबल हो पाती, क्योंकि उसने मेरे को ये बोला था कि कोलैब हटा लेंगे, मैंने कि भाई हटा लो आप कोलैब। और एक और पॉइंट आपने बोला कि पिछली बार एलविश ने अनफॉलो करा, तो मैंने फ़ोन करके बोला था क्यों अनफॉलो कर दिया, तो एलविश ने वो जो भी बोला, तो इस बार 6 दिन में एलविश ने क्यों नहीं फ़ोन करा मेरे पास, मैंने भी तो फ़ोन करा। यार एलविश की लाइफ थोड़ी अलग चल रही है, इफ़ यू नो वेकेशन हो गया, अभी थोड़ा वेकेशन चल रहा है, और आपको शायद हमारी न्यूज़ भी पता ही होगी ऑब्वियसली, जो भी चीज़ें जिसके साथ भी रह के, आई डोंट नो, जो भी आपकी जो आपने न्यूज़ देखी होगी। तो मेरे हिसाब से आपको फ़ोन करना चाहिए था कि आपकी लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं, और आपने ये चीज़, चलो मैं वो भी एक्सपेक्ट नहीं करा, मत ही करना, मतलब ये एक्सपेक्ट करना किसी से ऐसी प्रॉब्लम्स, क्योंकि फ़ोन करके जब मेरे को अनफॉलो को कर दिया, यार लाइफ में और भी दिक्कतें होती हैं यार, इन चीज़ों से थोड़ा मैं बस इंसिस्ट ही करूँगा आपको कि थोड़ा टाइम से बड़े हो जाओ, सोशल मीडिया से आगे बढ़ जाओ, ये लाइक लाइक अनलाइक फॉलो अनफॉलो और क्या होता कमेंट ऐड टू स्टोरी ऐड द रेट थ्रेड्स, इन सब चीज़ों से आगे बढ़ जाओ जिंदगी में। इनको इतना बड़ा मत समझो, ये होंगी इंपॉर्टेंट बट जस्ट फॉर द सोशल मीडिया, ठीक है, असली जिंदगी में कोई रोल प्ले नहीं करेंगे, लड़ाई वड़ाई भी होती रहती है कोई नहीं। और दूसरी बात उन्होंने बोला कि एलविशा खत्म, ये जो भी है यार, देखो मैं बेसिकली बोलना चाहता हूँ ये चीज़ें मेरी तरफ से कभी थी भी नहीं, क्लियर हूँ मैं, क्लियर हूँ, मेरा स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है कि मैं इन सब चीज़ों से, तो वैसे ही आज की बात, ये तो हमारी कभी थी भी नहीं और ना कभी होगी। तो जितने फैंडम वाले भाई गैल लग रहे थे, भैया तुम भी आज जुड़ा लो, तुम्हारे से भी कोई हेट नहीं है, और ये वीडियो कोई नेगेटिवली उसके लिए नहीं बनाई हमने। तो मैं आज भी बोलूँगा कि ये बच्चों वाली हरकतें ही होती हैं यार। और अभी कोई स्पॉन्सर आया अभी तक इससे पहले, फिर है कोई इसमें डालने के लिए है? अगर इस वीडियो में स्पॉन्सर आ गया हो ना, क्लिक कर देना, जो भी स्पॉन्सर हो प्लीज़, हमारे तुम्हारे क्लिक्स जो ज़्यादा करते हो उनको लगता है बहुत पब्लिक आ गई तो पैसा बढ़ा देता, ठीक है। तो और क्या, कोई और पॉइंट मिसिंग है क्या? कुछ बोल दूँ मैं फिर, सही है सब कुछ? कुछ कुछ अरे ठीक है बस भाई मैं यार उसके मूड में, मजाक मस्ती के मूड में, तो इसको प्लीज़ नेगेटिवली ना लें। और जल्दी आते हैं खाना खाने मनीषा जी के घर। छोटी मोटी बातें होती रहती है बड़े शहरों में, तू बैठता सही बलेरो में, स्टेप्स नहीं क्या, तू बैठता सही बलेरो में, नहीं छोटी 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 नहीं ऐसे नहीं था यार, एक छोटी बातें होती रहती हैं बड़े बड़े शहरों में, तू बैठ तो सही बलेरो में,
These were the steps. I really miss dancing with Manisha ji during Big Boss bhai. और कोई नेगेटिव नोट पे मैं कुछ एंड नहीं कर रहा. कभी फ्यूचर में मुलाकात होगी तो बहुत अच्छे से मिलेंगे. हम अपने दिल में कोई ग्रजेस नहीं पालते. चल तो रहा खाना सही में चल रहेगा. बुला लेंगे तो चल देंगे यार. बुला लेगी तो चल देंगे. लड़ाई तो थी भी नहीं है. दिस इज नॉट वर्थ फाइटिंग. ये तो बस ऐसे ही है व्यूज के लिए. उसके भी आगे हमारे भी आ जाएंगे. समझ रहे हो. दिस इज नॉट अ बैंटर भाई. दिस इज जस्ट अ नॉर्मल फनी वीडियो एंटरटेनमेंट वीडियो. ठीक है ओके वीडियो हो गया खत्म. तो ये था माय रिप्लाई टू मनीषा जी करके. तो ऐसा कुछ भी नहीं था. बस टाइटल देख के मुझे लगा कि अब फिर से क्या कंट्रोवर्सी कोई अलग सी ना पैदा हो जाए करके. और मनीषा का भी मैंने कल ब्लॉग देखा हुआ था तो मुझे लगा एक बार एलविश भी अपना ब्लॉग डाल दे तो फिर उसके बाद दोनों का रिप्लाई देख लेंगे. वैसे ऐसा कुछ है भी नहीं. जस्ट अ फन मैं इसको कह सकती हूँ. और अच्छे दोस्त हैं यार वो लोग दोनों के दोनों. तो भाई इनकी दोस्ती ज़्यादा अच्छी लगती है. हेट में नहीं अच्छा लगता. बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगी. और जल्द से जल्द मुझे लगता है वो लोग आपस में बात कर ही लेंगे. इतना कोई बड़ा मैटर नहीं है. फॉलो अनफॉलो ये तो चलता रहता है. और हाँ एलविश की मुझे इसमें एक बात बहुत सही लगी कि ये सोशल मीडिया फॉलो अनफॉलो ब्लॉग रिप्लाई लाइक कमेंट नहीं ये इनसे ऊपर ही उठ जाना ज़्यादा सही है भाई. ये चीज़ें मैंने आज काफ़ी लोगों के मुँह से सुन ली है ये बात. तो इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए सिर्फ सोशल मीडिया ही है ये बस हो गया. इससे भी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं. सच में ये बात बहुत सही बोली इन्होंने. तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को वीडियो. और मेरा जो सस्पेंस था वो लास्ट में जाके ख़त्म हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है. दोनों मस्त हैं और कोई नेगेटिविटी नहीं है. मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करना. नए हैं तो लाइक करना. बाय बाय गाइस.